नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेके ऑनलाइन पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नगर निगम भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नगर निगम भर्ती से जुड़े एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है। 3/6/2019 को ये अपडेट निकल कर आया हुआ था, ये नोटिफिकेशन आया हुआ था। आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा, बट जिनको नहीं पता है या जिनको पता भी है, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और आपको नगर निगम भर्ती से फुल डिटेल आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, प्रभात खबर का आर्टिकल है जो हमने डाउनलोड करके रखा है, और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि 13 पदों पर 576 को संविदा पर बहाल करेगा नगर निगम। अब चलिए क्या बातें डिटेल में बताई गई, चलिए जान लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले बताया जा रहा है कि लिखित और साक्षात्कार के जरिए होगी बहाली। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखित और साक्षात्कार के जरिए पर, यानी कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए पर आपकी बहाली की जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं, निजी एजेंसी की बहाली में ली जाएगी मदद। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली जो चल रही है, और उसका जो बहाली का जिम्मा लिया है बेल्ट्रॉन लिया है। तो बेल्ट्रॉन एक निजी कंपनी है, उसी निजी एजेंसी है। उसी तरह यहाँ पर नगर निगम की भर्ती भी जो होगी उसमें भी निजी एजेंसी काम करेगी, निजी एजेंसी जिम्मेदारी लेगी बहाली की। तो आप डिटेल में जानते हैं क्या बातें बताई गई। बताया जा रहा है नगर निगम में स्वीकृत के आलोक में कमी नहीं है, बड़ी संख्या में समूह के पद खाली हैं। इसे नियमित कार्यों के निष्पादन में निगरानी में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर कमी नहीं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में पद खाली हैं। इस परेशानी को देखते हुए मार्च माह में नगर आवास विकास विभाग के संकल्प संख्या 22/2018-14/35 जारी किया गया। इस संकल्प के माध्यम से नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि समूह का पद पर स्वीकृत पद के साथ साथ नवसृजित पदों पर अपने स्तर में कर्मियों की बहाली कर सकते हैं। इस निर्देश के आलोक में समूह गा के 13 पदों पर 576 लोगों को संविदा पर बहाल करने की योजना बनाई गई है, और इसमें पूर्व से सृजित पद एवं नवसृजित पद शामिल हैं। इस योजना के प्रस्ताव को 4 जून, आप लोग देख पा रहे हैं, 4 जून को होने वाली अस्थायी समिति की बैठक में रखा जाएगा। तो इसके बाद बोर्ड की मंजूरी मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आज की डेट में ये क्या है कि दोस्तों, आज की डेट में बोर्ड की मंजूरी को नियुक्ति मिलके ही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आज की डेट में जो बैठक होगी वहाँ पर यह प्रस्ताव रखा जाएगा, और जैसे ही बोर्ड से मंजूरी मिलती है तो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, और ताकि अगले 2-3 माह में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके। तो अगले 2-3 महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे ऐसा बताया जा रहा है। और वर्तमान में सिर्फ प्रभारी से चल रहा है काम। तो आप लोग देख पा रहे हैं, नगर निगम में अंचलों की संख्या 6 और वार्डों की संख्या 75 है। अंचल स्तर पर एक मुख्य सफाई निरीक्षक और वार्ड स्तर पर वार्ड सफाई निरीक्षक होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में एक भी मुख्य सफाई निरीक्षक और वार्ड सफाई निरीक्षक के नाम पर सिर्फ 11 कर्मी कार्यरत हैं। सब पदों पर प्रभारी से काम चलाया जा रहा है। वहीं निगम में एक भी सर्वेयर और अमीन नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, एक भी सर्वेयर और अमीन नहीं है। तो बहाली बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुकी है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, निजी एजेंसी की बहाली में ली जाएगी मदद। तो निगम प्रशासन ने 13 पदों को चिन्हित किया है। इन पदों पर पूर्व स्वीकृत संख्या और नवसृजित संख्या के अनुसार संविदा पर बहाली होगी। तो आपकी बहाली संविदा पर ली जाएगी, और इसको लेकर निगम प्रशासन निजी एजेंसी की सहयोग लेगा, जो लिखित और साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों को चयन करेगा। यानी आपकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, हमने आपको पहले भी बताया है, ये आपकी चयन प्रक्रिया है। और यहाँ पर बताया रहा है, निगम अधिकारी ने बताया कि बहाली की प्रक्रिया को लेकर निजी एजेंसी का चयन किया जा रहा है। निगम की अस्थायी समिति व बोर्ड मंजूरी मिलते हुए विज्ञापन प्रकाशित होगी, इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो पूर्व से सृजित पद हैं और वर्तमान में जो सृजित पदों की संख्या यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे राजस्व निरीक्षक के पूर्व से पदों की संख्या 0 है और वर्तमान में 46 है। इसी तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, मुख्य सफाई निरीक्षक का दिया गया है, सर्वेयर का दिया गया है, सफाई निरीक्षक का है, कुछ वर्गीय लिपिक का है, और आप लोग अमीन का देख पा रहे हैं। जैसे कभी हमने बताया कि अमीन का यहाँ पर 0 पद है, आप लोग देख पा रहे हैं, और वर्तमान में 7 है। इस तरह से सर्वेयर का 0 है, स्टोर कीपर का 0 है, ड्राफ्टमैन का 0 है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं उच्च वर्गीय लिपिक का 0 है। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने हमें क्या है कि टेलीग्राम पे ज्वाइन किया, तो वहाँ पे ये न्यूज़पेपर मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएँ जॉब न्यूज़ पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।